का जो हमारा छीन गए, आपको फायर सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, आपको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, आग लगने के कारण क्या है और आपको किस तरह से बुझाया जाता है, उसको बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं और लगने के मेन कारण क्या है। मैं शुरुआती सबसे पहले यही बताऊंगा आपको कि आग लगने के मुख्य कारण होते हैं लापरवाही। लापरवाही में बहुत सारी चीजें आती है, जिस प्रकार से आर्सन, आर्सन खोलते हैं, आतिशबाजी, दुश्मनाई और बेईमानी और बीमा कंपनियों को धोखा देने के लिए लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, लेकिन उन्हें आग के बारे में मालूम नहीं रह जाते हैं, बाकी सब नुकसान कर देता है। इसलिए मैं जो सबसे पहले आज का जो हमारा शिविर है, आपको फायर सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, आग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, आग लगने के कारण क्या है और आग को किस तरह से बुझाया जाता है, उसको बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं और लगने के मेन कारण क्या है। इसमें शुरुआती सबसे पहले यही बताऊंगा आपको कि आग लगने के मुख्य कारण होते हैं लापरवाही। लापरवाही में बहुत सारी चीजें आती है, जिस प्रकार से आर्सन, आर्सन खोलते हैं, आतिशबाजी, दुश्मनाई और बेईमानी और बीमा कंपनियों को धोखा देने के लिए लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, लेकिन उन्हें आग के बारे में मालूम नहीं होता है। आग तो उसका जो है इतना नुकसान पहुंच जाता है और आगे जो है तो और वो जो है 10 साल पीछे चले जाता है और आसमानी बिजली के द्वारा भी आग लग सकती है और जानवरों के द्वारा भी आग लग सकती है। कई लोग सोचते हैं जानवरों से किसके पास आग लगे, आग घरों में दिया जला करते तो वहां क्या है, चूहा बिजली ट्रेन जो है उस आग ने खुला कर दिया, उस घर से बिजली के बाद घेरा देने के बाद बहुत जलने वाले प्लांट में जा रहे हैं, वहां पर आग लगा दी है। आसमानी बिजली के बाद फुहारा करते हैं, जब आसमानी बिजली रहती है तो आग बाहर करना घर से भी आग लगती है। जंगलों में वहां से जंगलों में वो आपस में टकराने से घर्षण के कारण आग लग सकती है और सुनहरी किरण में आग लगा, जो सुनहरी की किरण सीधे जब किसी शीशे के ऊपर पड़ जाता है उसके कारण जो है वहां पर संपर्क को जलने वाला पदार्थ आ जाए तो भी आग लग सकती है। बहुत सारी चीजें उसे आग लगने के ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा विचार रूप से जो है आपके बारे में बताने चाहूंगा। आग वो रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन तत्वों के बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ CO2 से भी बुझा सकते हैं। वो विधि है आग बुझाने की विधि है CO2 से जो है समुद्री मेथड द्वारा आग को बुझाता है, ढकना, फ्लैंकेटिंग करना, ढकना और जिस प्रकार से आप घरों में पूरी बनाते हैं, जब कभी कढ़ाई में आग लग जाती तो आपको क्या करेंगे, ढक देंगे, पानी लगाएंगे तो क्या होगा, क्यों फैलेगा, नहीं। इसमें क्या होता है, घनत्व में अंतर होने के कारण, पानी तेल के माफिक पानी भारी होने के कारण क्या होता है, पानी नीचे चले जाता है और तेल को ऊपर फेंक देता है और जो तेल बाहर आने से आग और ज्यादा भड़क सकती है, जिससे आप कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, आग जो है भयंकर रूप धारण कर सकती है। इसलिए उसको क्या करना है, आपने सबसे पहले ब्लैंकेटिंग करना है, उसके अंदर उसको ढक देना है ताकि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। इस विधि द्वारा आग को इस प्रकार से बुझाया जाता है। यहाँ पर तेल का कुआं है तो उसके कुएं में तेल का कुआं है, उस तेल के कुएं में डीजल का कुआं है, उस कुएं में आग लगकर क्या करना है, पानी फेंकने क्या उससे तेल को पूरा बाहर ला सकता है, पानी फेंकने से तेल क्या है पूरा बाहर आ जाएगा और पूरे एरिया में आग फैल सकती है, पूरा कस्बा टाउन जल सकता है, पूरा शहर जल सकता है, इसलिए उसके इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत सारे गैसों का इस्तेमाल होता है उस आग को बुझाने के लिए और बोल दिया कि आपने 7 रेस्क्यूअर या और
हे राम इसका तो सिर फटा है, इसको कुछ मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह के शब्द यूज नहीं करना है। अमूमन होता है, करते भी है, लोग बोलते भी है, लेकिन उस टाइम हमें क्या करना है, जितना मर्जी चोट क्यों ना हो, जितना गहरा चोट क्यों ना हो, उनको नॉर्मल बताना है कि आपका चोट नॉर्मल है और आपको कुछ हुआ है, आपकी मदद करने आया है। इस तरह से आपने क्या करना है, बांध दिया पीछे, पिछले का पिछला जो हिस्सा था इसको क्या किया आपने, सामने की ओर लाया। सामने आप विक्टिम से मदद ले सकते हैं, विक्टिम को बोलना है भाई साहब इसको पकड़ो, आप इसको पकड़ के यहाँ से मदद कर सकते हैं। उसके बाद इसको सामने माथे के सामने से लाना है और साइड में गांठ बांधना है, यहाँ पर लगता है गांठ, लिफ नॉट, जो मैं आगे चल के बताऊंगा लिफ नॉट कैसे कहा जाता है, इसे डॉक्टरी गांठ भी कहा जाता है। पट्टियों में जो भी जितनी भी गांठ लगता है वो लिफ नॉट लगता है, ठीक है। इस तरह करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप इनको आगे हॉस्पिटल के लिए मूव करना है। वेरी गुड।